आज एक ऐसे विषय पे बात करेंगे जो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है लोगों को, आदमियों को स्पेशली, गायनेकोमास्टिया, और एक ऐसा टॉपिक जिससे बहुत लोग परेशान हैं, सोचते हैं कि डॉक्टर अजय गुप्ता, क्या आपका जो स्पेशल टेक्निक है सर्जरी का, जिसमें हमारे छाती के सामने कोई स्कार नहीं आता, कोई कट नहीं आता, और अब साइड से सारा सर्जरी करते हैं, छोटे से इंसिजन से 4 to 5 मिलीमीटर से, क्या इस सर्जरी से मेरा सारा का सारा ग्लैंड निकल जाएगा? मैं डॉक्टर अजय गुप्ता हूँ, बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ, नेशनल सेक्रेटरी हूँ इंडियन एसोसिएशन का, और मैं अपनी टीम के साथ दिल्ली में काम करता हूँ। 3 हॉस्पिटल्स हैं, सीके बिरला, रोज वॉक और एक्सेल हॉस्पिटल, जहाँ पे मैं डायरेक्टर हूँ। सो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे टॉपिक की जिससे काफ़ी लोग हिचकते हैं, झिझकते हैं। कुछ लोग उनको बोलते हैं कि शायद डॉक्टर अजय गुप्ता की टेक्निक से वो सारा ब्रेस्ट टिश्यू या ग्लैंडुलर टिश्यू गायनेकोमेस्टिया में नहीं निकलते। सो एक बात समझने वाली बात है, ये गायनेकोमेस्टिया का इलाज करा क्यों रहे हैं? गायनेकोमेस्टिया का इलाज करा रहे हैं कॉस्मेटिक कंसर्न से। कॉस्मेटिक कंसर्न यानी एक इंसान कंफर्टेबल फील नहीं करता कि उसको एक ब्रेस्ट टिश्यू जैसा फॉर्म हो गया है, वो टाइट टी शर्ट नहीं पहन पाता, कंधे थोड़े झुका के रखता है, एक कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी की तरह बैठ नहीं पाता, बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, वो अपने दोस्तों के साथ स्विमिंग पे, बीच हॉलीडे पे जाने में झिझकता है, क्योंकि उसका ब्रेस्ट टिश्यू, ग्लैंडुलर टिश्यू डेवलप हो गया, या तो एडोलेसेंट हाइपरट्रॉफी या बिकॉज स्टेरॉयड अब्यूज से। अब क्योंकि ये ग्लैंड है, वो किसी मेडिसिन, सर्जरी, एक्सरसाइज से नहीं निकल सकता, ये भी आप सब समझते हैं। इसके लिए सर्जरी करना पड़ेगा। एक बार सर्जरी कर दिया तो परमानेंट क्योर है, दोबारा हो नहीं सकता अनलेस एंड अंटिल आप स्टेरॉइड अब्यूज करें। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है दो। एक तो सारा का सारा ब्रेस्ट टिश्यू निकाल देना, ग्लैंड निकाल देना, और साथ में उसको, जिसको ये व्यक्ति को ये परेशानी है, वो पूरा रिहैबिलिटेट करना कि वो कंफर्टेबल, जो जो काम अभी नहीं कर सकता वो कर पाए, यानी वो टाइट टी शर्ट पहन पाए, उसकी चेस्ट की शेप अच्छी हो जाए, वो कंधे पूरे पीछे खींच के खड़े हो, बॉडी पोस्चर चेंज हो जाए, और साथ में वो स्विमिंग और बीच हॉलीडे पे जा पाए बेझिझक, कि किसी को पता तो नहीं चल रहा कि गायनेकोमेस्टिया सर्जरी कराई है। सो दोनों बातें हैं, ग्लैंड भी निकालना है और उसका रिहैबिलिटेट भी इस तरह से करना है कि किसी को पता ना चले कि सर्जरी हुई है। लेकिन ग्लैंड तो पूरा निकालना ही है। अगर ग्लैंड छोड़ दिया तो गायनेकोमेस्टिया सर्जरी का फायदा ही नहीं हुआ, ये मेरे लिए बहुत क्लियर है। सो हम सारा का सारा ब्रेस्ट टिश्यू, सारा का सारा ग्लैंड सर्जरी में पूरा निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, मैं आपको पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूं, हमारी स्पेशल टेक्निक है जो हमने डिस्क्राइब की है, और अब कई प्लास्टिक सर्जन अक्रॉस द ग्लोब हमें देखकर, हमसे आके सीखकर वो फॉलो कर रहे हैं। माइक्रोवेयर एक करके टूल है, उसके स्पेशल औजार हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जो ब्रेस्ट टिश्यू को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ देते हैं और वो सारा का सारा ब्रेस्ट टिश्यू हम साइड के कट से निकाल देते हैं। इसमें कोई डाउट नहीं है कि सारा टिश्यू निकल जाता है। अगर आपको डाउट हो तो आप सर्जरी के बाद अल्ट्रासाउंड करा के देख लें, कोई टिश्यू नहीं छोड़ते। इनफैक्ट 300 से 400 में से एक पेशेंट में, स्पेशली जिसका ग्लैंड बहुत हार्ड होता है, तो हम सामने कट अगर देना पड़ता है तो हम दे देते हैं, ग्लैंड नहीं छोड़ते। ये इंपॉर्टेंट है, ग्लैंड सारा निकालते हैं। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि साइड का कट ही रखना है, ग्लैंड निकालना तो प्राइम इंपॉर्टेंस है। हाँ, लेकिन 399 पेशेंट्स आउट ऑफ 400 पेशेंट्स में, ये हमने डेटा पूरा कलेक्ट किया है, प्रेजेंट करा है कॉन्फ्रेंसेस में, पब्लिकेशन में, कि सारा का सारा टिश्यू साइड के कट से निकाल देते हैं 399 आउट ऑफ 400 पेशेंट में, यानी 1000 में से अराउंड 2.5 मरीज
कि हमें सामने कट देना पड़ता है, बाकी सारे पेशेंट्स हम साइड के कट से करते हैं। फिर एक और टूल है जिसको हम यूज करते हैं वेजर, और हमने फिर बॉडी टाइट भी एक टूल करके ऐड किया है जिसको हम यूज करते हैं, उसी साइड के छोटे कट से अंदर जाता है, स्किन को हीट करता है ताकि स्किन टाइट हो जाए, स्किन लटकती नहीं है। ये एक स्पेशल टेक्निक है जिसके लिए आपको इंस्ट्रूमेंटेशन, टूल्स और स्किल्स दोनों की जरूरत है। And we have mastered that skill. We are proud of this fact that we have mastered that skills over the last 6 to 7 years of continuous practice of doing more than 40 to 50 gynecomastia surgeries every month. Now you can imagine कि इतनी practice हो गई है हमें, हमें इतना experience हो गया है कि हम ये consistently ये technique से कर पाते हैं। जब हमने स्टार्ट किया था तो 100 में से एक मरीज को हमें सामने कट देना पड़ता था, अब हम आ गए हैं कि 400 मरीज में से एक मरीज को सामने कट देना पड़ता है, बाकी सब मरीजों का साइड के कट से हो जाता है। सो ये टेक्निक क्या करती है? ये टेक्निक का फायदा यह है कि आपका सारा ब्रेस्ट टिश्यू निकल गया। इस टेक्निक का फायदा यह है कि आप बेयर चेस्टेड बीच पे जा रहे हैं, स्विमिंग पे जा रहे हैं, कोई बता ही नहीं सकता कि आपकी कभी कोई सर्जरी हुई है। इनफैक्ट आपका वो जो छोटा सा निशान है 3-4 मिलीमीटर का, वो ऐसे हील हो जाता है जैसे लगता है कोई पिंपल स्कार हुआ है, 7-8 महीने में ऐसे फेड हो जाता है कोई बता नहीं सकता। अगर साइड से कोई देखता है आपके हाथ के नीचे छुपा रहता है, अगर आप हाथ ऐसे खड़े करके खड़े होने तब भी अगर वो निशान दिखता भी है तो कोई भी एक इंसान को एक ही निशान दिख सकता है, सामने से दिखेगा ही नहीं। साइड इस साइड खड़ा है उसको एक निशान दिखेगा, इस साइड खड़ा है उसको इस साइड का दिखेगा अगर दिखता है तो। So, bilaterally, दोनों निशान एक साथ दिख ही नहीं सकते तो स्टिग्मा ही नहीं है कि गायनेकोमास्टिया सर्जरी कभी कराई है। ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है एक इंसान को जिनको इस प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं कि वो सोसाइटी में एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह जी पाए, घूम पाए, फिर पाए, जो करना चाहते हैं वो कर पाए। सो मेरा ये उद्देश्य था इस वीडियो से आपको समझाना कि इस टेक्निक का क्या फायदा है, ये टेक्निक किस तरह से की जाती है और इस टेक्निक से हम किस तरह सारा का सारा ब्रेस्ट टिश्यू निकालते हैं। अगर आपके दिमाग में कोई भी और डाउट है, कोई भी और विचार है, आप हमें मैसेज लिख सकते हैं, मेरी टीम और मैं हमेशा आपको साइंटिफिकली गाइड करते रहेंगे।